हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले मैथ के टॉप 15 सवाल जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और इससे पहले जितनी भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए, अपने सभी दोस्तों को बताइएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, ये जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं, एक बच्चे ने पूछे थे कमेंट बॉक्स में कि इनको एक बार करा दीजिए, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए जो ये लिखा है 0.142857, ये इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बार का मतलब बता देता हूँ, ये बार इसके ऊपर क्यों है। इसका मतलब है कि ये 142857 है जो रिपीट है, यानी कि 142857 जो लिखा है ये बार बार रिपीट हो रहा है। फिर इसके बाद में 142857, ठीक है, फिर 142857, इस तरीके से रिपीट चल रहा हो। तो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे सॉरी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जिसके ऊपर बार होता है, सबसे पहले तो उस संख्या को पूरी को लिख लीजिए, ठीक है, जिसके ऊपर बार है। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हो कुछ 1, 2, 3 और उसके ऊपर बार ना हो, तो ये क्वेश्चन तो आपका जैसा भी। अभी इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले उस संख्या को लिख लीजिए, आपने लिख लिया, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए नीचे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 के ऊपर बार है तो 6, 9 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड, यहाँ पे जितने जो भी संख्या लिखी है उसको कंप्लीट लिख दीजिए और जिसके ऊपर बार है उतने ही 9 लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 9 इसके नीचे लगा दीजिए। अब मैंने आपको शायद पहले बताया था, इससे 5-6 वीडियो पहले, कि जब भी ये डिवाइड का साइन होता है यहाँ पे बीच में, इसको मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको क्या करना है, जैसे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड को हमें ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसको आप उल्टा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो 6 टाइम 9 है इसको ऊपर कर देंगे और ये जो 2, 8, 5, 7, 1, 4 है इसको नीचे लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है आपका, ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आप डिवाइड बहुत मुश्किल से हो पाएगा और मल्टीप्लाई से आप चीज़ें कट जाती हैं। तो जैसे हम इसको लिखेंगे बिल्कुल वैसे का वैसे ही 1, 4, 2, 8, 5, 7 लिख लिया हमने, इसके नीचे 6 टाइम 9 लिखा, फिर हमने इसको क्या किया उल्टा करके लिख लिया डिवाइड में बदलने के लिए। यहाँ पे डिवाइड था ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में बदलने के लिए ये 6 टाइम 9 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 6 टाइम 9 और नीचे 2, 8, 5, 7, 1, 4 ये आपने लिख लिया। तो यहाँ से देखिए ये 6, 9 से 6, 9 कट जाएगा, यानी 6 टाइम जो 9 लिखा है ये आपका कट जाएगा, फिर ये 1, 4, 2, 8, 5, 7 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो आपका सीधा सीधा 1/2 राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब कितना इजी क्वेश्चन था, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपका हार्ड नहीं होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, उसके पीछे ना कुछ लॉजिक जरूर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, आप भी खुद ट्राई कर सकते हैं साथ साथ में। यहाँ पर दे रखा है 0.2 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार का मतलब क्या है, ये बार बार 2, 2, 2, 2 आता जा रहा होगा, यहाँ पर बार लगा दिया, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 3 के ऊपर बार है 0.3 के, और यहाँ पे 0.32 के ऊपर बार है, तो पूछा है का मान ज्ञात करिए, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन किसी भी तरीके से दे रखे होते हैं क्वेश्चन में, आप दोनों तरीके का आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्या करना है, जिसके ऊपर जितनी बार बार होता है उतने 9 लिख देते हैं, इसको वैसे के वैसे लिखेंगे 2/9, 3/9 और 32/99, इस तरीके से लिख लिया। इन सभी का एलसीएम आप ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 99, ठीक है। तो 99 जाएगा 9 से कितनी टाइम, 11 बार, और 11 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 22, ठीक है। यहाँ पे 9 से जाएगा 11 बार और 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, इसी तरीके से यहाँ पे 32 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इनको सभी को प्लस करिएगा, कितने हो जाएगा 87 और अपॉन में 89, या तो आपका आंसर यही दे रखा होगा। अगर ये नहीं होगा तो आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 99 से कितनी बार जाएगा 8 टाइम,
ठीक है, 8 टाइम तो पूरा चला जाएगा ना, और 9 टाइम नहीं जाएगा, 8 टाइम ही जाएगा। फिर उसके बाद कितना बचेगा रिमाइंडर, उसको सोल्व करेंगे तो आपका 8787 आता चला जाएगा। तो हमने क्या किया, 0.87 के ऊपर बार लगा दिया। तो या फिर आपका आंसर ये भी हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो जैसे भी होगा आप इजीली कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज इसी टाइप के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इजीली कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एक दो क्वेश्चन तो जरूर आएगा। यहाँ पे पूछा है, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 8961 में से घटाने पर वह 84 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जब भी ऐसा बोला जाए आपको कि कोई संख्या दे दी जाए और उसमें से पूछा जाए इसमें से क्या घटाया जाए, कि किसी जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 8961 में से क्या घटाया जाए कि ये 84 से पूरी विभाजित हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसी संख्या को जिससे डिवाइड करने के लिए बोला जाता है उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप सिंपली डिवाइड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से डिवाइड करिए। तो इसको डिवाइड करेंगे हमें 8961 को 84 से, तो कितना हो जाएगा ये 84 एक वन टाइम जाएगा 84 बार, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका रिमाइंडर 5। नहीं चलेगा इस पर तो नीचे हम 6 उतारेंगे, 6 पे भी नहीं चलेगा तो हम 0 लगा के 1 भी उतार लेंगे, ठीक है। तो 84 को 6 टाइम कितना हो जाएगा 504, तो यहाँ पे 504 लिखा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना बच गया भाई, 561 में से आप 504 माइनस करेंगे तो 57 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। अब मुझे ये बताइए, सोचने वाली बात यह है कि 8961 में से अगर मैं 57 को माइनस कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता, 0, तो ये 84 से कम्प्लीट डिवाइड हो जाता। तो इन्होंने यही पूछा है कि 8961 में से क्या घटाएं कि ये 84 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हमें 8961 में से 57 घटाना है तो कितना आ जाएगा 8904। अगर यहाँ पे 8904 होता तो ये 84 से पूरा विभाजित हो जाता और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचता। समझे आप इस बात को, देखिए अच्छा क्वेश्चन है और ये ईजी बहुत है, बहुत ही सिंपल सा है, बट इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है बन जाएगा, यस और नो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और देख लेते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब की बार देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि उस न्यूनतम संख्या के बारे में बताइए जिसे 8961 में जोड़े जाने पर वह 84 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो तब कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे ऊपर किया, डिवाइड करिए 8961 को 84 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका बिल्कुल सीधा सीधा कितना आ जाएगा भाई, बिल्कुल 84 जाएगा, ये 5 बचेगा रिमाइंडर, 6 उतारेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 1 उतार लेंगे, ये 504 बार हो जाएगा, यानी कि 6 टाइम जाएगा 84 से, 84 सिक्स जा कितना होता है 504, ठीक है। तो नीचे कितना बचा आपका रिमाइंडर 57। अब यहाँ पे पूछा है, माइनस नहीं पूछा है, अगर माइनस पूछते तो 57 ही माइनस कर देते। अब पूछा कितना जोड़ा जाए, तो उस न्यूनतम संख्या के बारे में बताइए जिसे 8961 में जोड़े जाने पर वह 84 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 27 अगर मैं 57 में प्लस कर दूँ तो कितना बन जाएगा 84। अगर इसमें 27 और ऐड होता तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता, फिर यहाँ पे रिमाइंडर बचता 0, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो जाता 84 से। समझ गए आप इस चीज़ को, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, दोनों के दोनों, बस थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर बोला जाए कि क्या माइनस किया जाए, कम से कम छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या क्या माइनस किया जाए कि ये इससे पूरा डिवाइड हो जाए, तो माइनस तो करना है 57। अगर पूछा जाए कि क्या प्लस किया जाए तो हमें तो 84 बनाना है, तो 57 में क्या प्लस करें कि 84 बन जाए, तो भाई 27 प्लस कर दीजिए ना, 84 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसमें 57 की जगह आपका 84 पूरा कंप्लीट होता है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है 0। तो ये पूछा है कि क्या प्लस किया जाए, तो 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। और देख लेते हैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है, इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। देखिए कैसे, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, 29 शेष बचता है, इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे बोला गया कि एक संख्या, उस संख्या को आपको सबसे पहले निकालना है जिस संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। तो अगर आपको किसी संख्या को भाग देंगे आप 56 से और 29 शेष बचेगा, तो आप उस संख्या को निकाल सकते हैं कैसे, इन दोनों को बस प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 85। इसके पीछे रीज़न क्या है ये जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने निकाल लिया 85 है, आप इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं कि ये बिल्कुल सही आई है संख्या है, गलत आई है। अगर आप 85 को 56 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा,
वही वन टाइम 56 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 29। तो यही तो बोला है क्वेश्चन में कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा भाई, दोनों को बस उठा के प्लस करना है। रीजन भी यही है कि अगर आप किसी संख्या को भाग कर रहे हैं तो अगर शेष जितना बच रहा है, अगर वो शेष ना बचे तो वो संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी ना, ठीक है। तो आप उन दोनों को प्लस कर दीजिए, वो संख्या आ जाएगी। और इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए एक बार डिवाइड करके देख लीजिए कि अगर ये 85 को मैं 56 से डिवाइड करता हूँ तो शेष कितना बचेगा 29। तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। तो अब पूछा है कि इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 85 को अब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 10 टाइम 80 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 5 बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूछा है क्वेश्चन में कि 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो 8 से भाग देने पर शेषफल आपका 5 बचेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब ये टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो छोड़ के तो इनको भी नहीं आना है, ठीक है। ये कैसे करना है, देखिए कई बार होता है यहाँ पे रूट नाइन प्लस प्लस करके लिखा होता है, कई बार क्या होता है बस आपको लिखा है रूट नाइन रूट नाइन रूट नाइन के नीचे रूट नाइन के नीचे रूट नाइन और इस तरीके से इन्फिनाइट चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको सीधा सीधा बस वही रखना है जो रूट के अंदर लिखी है वैल्यू, तो 9 इज द राइट आंसर। समझ गए आप इस चीज़ को। एक बार और बता देता हूँ, इनमें सभी में डिफरेंस भी बताने वाला हूं कि अभी सारे टाइप की कराऊंगा तो सभी आपके क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें प्लस माइनस नहीं लिखा होता है, कई बार क्या होता है रूट नाइन, ठीक है, प्लस रूट नाइन, ठीक है, प्लस रूट नाइन इस तरीके से अगर लिखा है, वो क्वेश्चन अलग हो गया और इसमें लिखा है रूट नाइन के अंडर में, रूट नाइन के अंडर में इस तरीके से लिखा, तो आपका आंसर ही 9 हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपका यह क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब एक क्वेश्चन आपका यह हो गया, इसमें देखिए इसमें इनफिनाइट नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो आपका सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है ऊपर वाले में और नीचे वाले में, इसमें आपका बस ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार रूट 8 के अंदर, रूट 8 के अंदर रूट 8 कितनी बार लिख रखा है, ये 6 बार ही लिखा है। और ऊपर क्या था, ऊपर था आपका इनफिनाइट चल रहा था, ये मतलब इसी तरीके से चलता रहे तो इसका आंसर बताना था। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ गया होगा। तो इसको कैसे करना है, अब इसको करना है आपको, चाहे जो भी संख्या यहाँ पे लिखी हो कोई भी संख्या, आपको हमेशा क्या लिखना है, 2 की पावर। अब पावर सुनिए क्या लिखनी है, पावर लिखनी है जितने भी ये होंगे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, ठीक है। अगर ये होते 7 तो 2 की पावर हो जाता आपका 7, ये होते 8 तो 2 की पावर हो जाता 8, ठीक है। अब 2 की पावर 6 को हम देख लेते हैं, 2 की पावर 6 को कैसे निकालेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 6 बार करेंगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं, इतना चीज़ तो आपकी समझ में आई गई होगी। अब आंसर कैसे लिखेंगे, ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा कि आपको 64 आंसर होगा, आंसर होगा आपका कुछ इस तरीके से। इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसके अंदर जो भी संख्या होगी, अगर यहाँ पे 8 है तो 8 और 64 उसकी पावर लिखिए और 64 में से एक माइनस करके आपको लिख देना है ऊपर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 जैसे 64 मैंने इसकी पावर लिखी और इसका आंसर हो जाएगा माइनस एक करके 63, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर होता 9, तो आपको क्या लिखना था 9, ठीक है, और 64 और उसकी पावर एक माइनस करके 63। मान लीजिए इसके अंदर होता आपका 6 होता, ठीक है, तो 6 की पावर 64, ठीक है। अभी मैं ये 6 की बात कर रहा हूँ, ये जो रूट है 6 टाइम है, ठीक है। अगर ये 7 टाइम होगा 8 टाइम होगा ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था √42 + √42 + √42 इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और ये इनफिनाइट ऐसे जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी इसके अंदर संख्या होगी, ठीक है, उसके फैक्टर क्या कैसे करने हैं, उन फैक्टर का डिफरेंस 1 होना चाहिए और उनकी मल्टीप्लाई करें तो 42 होना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं और इतना जानते हैं तो समझिए एक सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे 42 लिखा है तो 7 6 42, तो 7 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 1, तो ये तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 6 और 7 हमें फैक्टर मिल गए। अब आंसर कैसे लिखना है, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर इनके बीच में प्लस है तो बड़ी संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर इनके बीच में होता माइनस तो छोटे वाली संख्या इनका आंसर हो जाती है। भाई इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ के नहीं आना है, और आप करके आ जाएंगे ना, मुझे यस और नो जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी सारे टाइप के कराऊंगा, ठीक है, अगर इन संख्या का फैक्टर ना हो तब कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 13 दे दिया जाए तो 13 का फैक्टर क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ। अभी यहाँ तक बताइए आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब 17 लिखा है, 17 के फैक्टर नहीं हो सकते हैं, तो जैसे आपने यहाँ लिख दिया है रूट 17 प्लस रूट 17 प्लस रूट 17, तो इस तरीके से अगर दे दिया गया है और ये भी इन्फिनाइट जा रहा है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब आपको करना पड़ेगा एक ये छोटा सा फॉर्मूला याद, इससे ही आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल है, 4a + 1 / 2 और + 1, ठीक है। और इससे ना आप एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जिसके फैक्टर हो सकते हैं उसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, और जिसके नहीं हो सकते उसको भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप 17 है, तो a का मतलब यहाँ पे जो भी इसके अंदर होगा, a का जो भी वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जो इसके रूट के अंदर लिखी होगी। तो इसको पुट कर लेते हैं, 4 × 17 + 1/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जितना आप सोल्व कर सकते हैं उतना कर दीजिए, अदरवाइज आपका आंसर जो लिखा होगा वो बिल्कुल इतना ही लिखा होगा इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, 17 × 4 = 68 होता है, ठीक है। तो 17 × 4 = 68 + 1, ये करके 69 यहाँ पे लिखा गया है, 69 / 2, और ये आपका प्लस वन जो बाहर लिखा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, जिनके फैक्टर नहीं होते हैं, एक दो बार ट्राई करिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका 13 वाला है, रूट 13 माइनस, अब की बार माइनस दे रखा है सॉरी, तो जैसे अब की बार माइनस है, तो इसमें बस आपको इतना ही चेंज करना है, जो यहाँ पे हम प्लस 4 कर रहे थे, यहाँ पे अब की बार माइनस 1 कर देना है, बस इतना ही चेंज है, और कोई भी चेंज नहीं करना है। 4a + 1/2 बिल्कुल वैसे का वैसे ही आपको रखना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे अब की बार 13 हो जाएगी, तो 4 × 13 + 1/2 और माइनस ये 1 लिखना है। तो 13 × 4 = 52 + 1, तो कितना हो जाएगा, 53। तो √53/2 - 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन आप कर लेंगे इजीली, कोई हार्ड नहीं है, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए जैसे नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है। जैसे लिखा है यहाँ पे 2 × 1/4 + 3 × 4/7 इस तरीके से पूरी की पूरी इक्वेशन आपके लिखी हुई है, इसको सोल्व करके बताना है। तो इसको सोल्व कैसे करना है, एक एक स्टेप को समझिएगा। सबसे पहले तो जो फ्रैक्शन लिखे हैं इनको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 × 2 = 8 + 1 = 9/4 हो जाएगा, ठीक है। 7 × 21 + 4 = 25/7 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 5 × 5 = 25 और 3 = 28/5 हो जाएगा, माइनस 5 × 20 ये आपका, देखिए वो मिसप्रिंट था और यहाँ पे जो लिखा था वो गलती से लिखा गया था, उसको मैंने हटा दिया है। अभी यहाँ पे देखते हैं, −4 × 5/8 लिखा है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 37/8, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका 5 होना था, बट मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया। जैसे अभी आपको बताया था कि जब भी डिवाइड में होता है उसको मल्टीप्लाई में बदल लेते हैं। मल्टीप्लाई में कैसे बदलेंगे भाई, जो आपका 37/5 था, 5/37 कर देंगे, ताकि आपको इजी पड़े सोल्व करने में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें कट सकती है उसको काट देते हैं, जैसे 7 × 28 और यहाँ पे 5 × 5 = 25 कट जाएगा, और ये 37 × 37 कट जाएगा। तो अभी आपके पास कितना बचा, 9/4, ठीक है। और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम 4 और 5 को, तो कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ पे कितना बचेगा, −5/8, यही तो बचेगा बस। तो इनको सोल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 18 + 160 - 5, तो इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 173/8, और इसको करेंगे सोल्व, या तो आपका राइट आंसर ऐसे ही लिखा मिलेगा, या फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 21 / 3/8। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कर दिया करें, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो जो होती है उनके सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, तो वहाँ से जाकर के उन सभी वीडियोज़ को भी आप जरूर देख लिया करें, ठीक है। PDF लेने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट का भी और सारे टेस्ट के PDF लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने। सबसे पहला ही लिंक है आपका टेलीग्राम का, टॉपिक स्टडी का ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, या तो आप ऐप डाउनलोड करिए सबसे पहले तो टेलीग्राम की, फिर उसके बाद ज्वाइन करिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, आपने लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।